जब देख सकते हैं, ये है नर्मदा नदी पे बनता हुआ बुलेट ट्रेन का ब्रिज का नजारा। आपके सामने पेश है बनता हुआ बुलेट ट्रेन का ब्रिज का नजारा नर्मदा नदी के ऊपर। तो लगभग हम 40 किलोमीटर यहाँ वहाँ भटके तब हम यहाँ पहुँच। से कम 10 साल लगेगा, 10 साल बनने में इसको लगेगा। अभी सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नर्मदा नदी के ऊपर बुलेट ट्रेन का जो पुल बनाया जा रहा है उसी का लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। और इस टाइम मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं भरूच और अंकलेश्वर के बीच में खड़ा हूँ और ये सूरत से लगभग 87 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ का जो नज़ारा आपको दिखाऊंगा ना दोस्तों, आप भी देखने में मजबूर हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। तो एक बार मैं आपको पीछे से दिखा दूँ। भाई आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये है नर्मदा नदी और इसका बहाव इतना चाहिए, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। इस टाइम आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है और मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा इस चीज़ के बारे में दोस्तों। अभी ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो नर्मदा नदी है उसका किनारा है, सामने आप भरूच है और इस तरफ है अंकलेश्वर। लगभग अंकलेश्वर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और भरूच भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पड़ेगा। वैसे तो अभी नया ब्रिज बन गया है, आप देख सकते हैं इधर एक नया ब्रिज बन गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अभी तो रास्ता नज़दीक हो जाएगा तो कुछ ये ना जा रहा दोस्तों। सामने देखते हैं बुलेट ट्रेन का जो काम चल रहा है दोस्तों, और अभी मैं चलता हूँ नज़दीक से जाके पूरा आपको ये दिखाने वाला हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। तो अभी एक बार नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों कैसा है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पर जो काम चल रहा है बुलेट ट्रेन का नर्मदा नदी के ऊपर। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और यहां से आगे हम लोग नहीं जा सकते, बैरिकेडर लगा हुआ है। और यहां से आधा काम अभी थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है और आगे से काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। और मैं लगभग बता दूँ आपको, इसको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा बनने में। तो अंकल जी इनसे पूछेंगे कितना टाइम लगेगा बनने में ये ब्रिज। तो अंकल जी ये कम से कम 10 साल लगेगा, 10 साल बनने में इसको लगेगा। अभी काफ़ी 10 साल तक अंकल जी इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल लगेगा, देखो भारी काम है, समय तो लगता ही है। छोटे ब्रिज मसाले जो है दो दो किलो तीन तीन किलोमीटर में जो है, हाँ उसको तो बनने में समय एक साल दो साल। ये तो 580 किलोमीटर है, 580। और सही बात है अंकल जी। तो अंकल जी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, हम लोग आए हैं सूरत से देखने के लिए, हम स्पेशली आए हैं। हम लोग क्या वीडियो दिखाते हैं लोगों को कि काम कैसा चल रहा है, यूट्यूब तक पहुंचाते हैं, नए नए लोग जो नहीं देख पाते हैं उन तक हम ये वीडियो पहुंचाते हैं कि वो सब ये सब चीज़ें देख सकें। तो बहुत बहुत आभार करता हूँ मैं आपका कि आप यहाँ पर आके देख रेख करते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश, और हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो दिखाते हैं बैक कैमरे से एक बार आपको नज़ारा दोस्तों इसका। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। अंकल जी मशीनें बिल्कुल नई आई है क्या अभी ये? दो साल की दोनों मशीनें। अच्छा 2 साल हुए इनका, हुए पूजा पाठ हुआ है ना अभी इनका? काल का पूजा हुआ है। अच्छा हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मशीनें आई हुई है अभी फिलहाल, ज्यादा टाइम नहीं, एक एक दो दो साल पुरानी मशीन है, बिल्कुल नई मशीन है ये। तो बिल्कुल नई है, 2 साल भी नहीं हुआ इसको, तो अभी इस पर तो नंबर ही नहीं आया अभी तक दोस्तों। देख सकते हैं पूजा पाठ हुआ है इनका और ये अब लोहे के पिलर वगैरह आप देख सकते हैं दोस्तों, पाइप यहाँ पर रखे हुए हैं और ये पहला पाइप पहला पिलर जो है ये बनके तैयार हुआ है। और यहाँ पर जो मशीनें चलती हैं ना, इसलिए ये जगह पे इनको रोका हुआ है, इसके ऊपर के मशीनें चलती हैं ताकि जो जेसीबी वगैरह होती हैं वो यहाँ से चलेंगी और यहाँ का काम आसानी से कर सकती हैं दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। तो मैं आपको ये पूरी जानकारी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमें खुद को नहीं पता था कि यहाँ का जो ब्रिज का काम है कैसे बनाया जा रहा होगा। मैंने जो ताप्ती के ऊपर ब्रिज दिखाया था वहाँ पर मुझे वीडियो बनाने के नहीं दिया गया था, पूरा आपको नहीं दिखा पाया था, लेकिन यहाँ का नज़ारा मैं आपको भी पूरा दिखाऊंगा दोस्तों अच्छे से। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से सरिया वगैरह पड़े हुए हैं, बड़े बड़े सरिया पड़े हुए हैं और ये सब जनरेटर वगैरह सब ये नया लगाया हुआ है। इसमें देख सकते हैं फूल माला सब पे रखी हुई है। उधर का काम काफ़ी टाइम से चल रहा है लेकिन इधर का जो नज़ारा है ये अभी नया स्टार्ट किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर बारीक बारीक पत्थर सब टूट टूट के यहाँ पर डाले गए हैं ताकि मशीनें आसानी से चल सकें यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोग जाएंगे, आगे तक हम आपको नहीं, आगे का नज़ारा हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। और ये जो नर्मदा किस्तम जो गहराई है ना दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे इतनी ज़्यादा गहराई है इसके अंदर। और अभी एक पिलर ये बना हुआ है, देखो ये भी तैयार हो पाया है अभी,
बजरपुट वगैरह डाला नहीं है, खाली भी इसको कंप्लीट कर दिया गया ढांचा इसका बना के। इतने बड़े लोहे के यहाँ पे सरिये पाइप वगैरह पिलर वगैरह पड़े हुए, गाटर वगैरह यहाँ पे सब रखे हुए हैं। तो दोस्तों अब ये नजारा देखेंगे ना तो सबसे एकदम अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा आपको दोस्तों ये। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ से जो मिट्टी काट काट के जो नज़ारा बनाया हुआ है इसका, और यहाँ पर जेसीबी खड़ी हुई है और ये नज़ारा कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। आप देख सकते हैं फिलहाल ब्रिज तैयार किया गया है, यहाँ पर जेसीबी मशीनें चलेंगी और उसके बाद में यहाँ से पिलर बनते हुए आएंगे। पहला पिलर ये बना हुआ है और धीरे धीरे आगे तक दूसरा पिलर यहाँ बनेगा, यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी। तो अभी मैं थोड़ा आपको लेके चलता हूँ आगे तक का नज़ारा आपको क्लियरली दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नज़ारा है यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है अंदर जाने के लिए, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त नज़ारा, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ना कि जो अंकल जी थे ना इतने नेक दिल के इंसान निकले, किसी को अंदर आने नहीं दिया उन्होंने। मैंने उनको बताया मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ तो मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दिए। और जो नज़ारा आपको ये नज़ारा दोस्तों आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये इतनी गहराई के ऊपर है नर्मदा नदी इस टाइम, और जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ आपको व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ से जो नज़ारा देखने लायक बनता है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। सामने एक ब्रिज और बन के तैयार हुआ है जो मेन हाईवे बनाया है अभी मुंबई से, जो दहेज के लिए जो हाईवे निकला है वहाँ पर सामने देखते दोस्तों पिलर वगैरह लगे हुए हैं, बन के तैयार हो चुका है दोस्तों आपको बता दूँ मैं अभी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों आप सभी को ये दिखा के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बोट पॉइंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, कृपया अपना नाम और प्रवेश निकास दर्ज करें, बोट में यात्रा करते समय हमेशा लाइफ जैकेट पहने, नाव में केवल 15 यात्री अनुमति है, गहरे पानी के प्रगति पर जरूर जागरूक रहें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पर पिलर पाइप वगैरह लगाए हुए हैं और ये है नर्मदा नदी का नज़ारा दोस्तों कुछ इस प्रकार का। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें डर लग रहा है देखने में तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आगे तक और दिखाऊँगा आपको। और अभी आगे से काम जो है दोस्तों तेज़ी से चलता हुआ आ रहा है, मैं अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँगा नज़दीक जाके, तो आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त यहाँ से सीन देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों रितेश भी यहाँ से आ रहा है। पानी का बहाव देख के आपको अंदाजा लगा लिया होगा कि किस प्रकार से इसका काम चल रहा है और कैसे पिलरों का काम किया जा रहा होगा। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे 2-3 पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, मतलब कम्प्लीट फ्रेम बन चुका है उनका, लेकिन उनका अंडरग्राउंड की जो काम रहेगा वो बाकी है। और ऐसे ही आगे जो मैंने आपको 2 पिलर बताए थे उसका भी जो अंदर का काम है वो लगभग खुदाई हो चुकी है उसकी, लेकिन ऊपर का काम है जो बाकी है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग आए हैं जो देख रहे हैं नर्मदा नदी के ऊपर जो इस प्रकार से मतलब पुल बना दिया है कि आगे जो ब्रिज का काम चलेगा इस प्रकार से, तो पानी का बाहर देखे बहुत ही एकदम अजीब लग रहा है कि कैसे इस पर काम चलेगा, किस प्रकार से इसका काम होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे वीडियो बनाने का, वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम लोग सूरत से यहाँ पर 100 किलोमीटर दूरी पर आके आपको ये वीडियो का जो बुलेट ट्रेन का जो अपडेट है वो आपको दे रहे हैं कि सामने आप दिखाइए, सामने ब्रिज का काम चल रहा है दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं। मैं आपको एक बार जूम कैमरे से दिखाता हूं दोस्तों, जो सामने दिख रहा है वो भरूच की तरफ से काम बनता हुआ आ रहा है, और अभी हम लोग जो दिखा रहे हैं ये अंकलेश्वर की तरफ से दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों ये नज़ारा कैसा है देखने लायक। आपके सामने पेश है बनता हुआ बुलेट ट्रेन का ब्रिज का नज़ारा नर्मदा नदी के ऊपर। दोस्तों इतनी ज़्यादा हमने मेहनत की ना दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो के लिए कि आप विश्वास नहीं कर सकते, लगभग हम 40 किलोमीटर यहाँ वहाँ भटके हैं तब हम यहाँ पहुँच पाए हैं। पहले हम यहाँ से गए थे केवल ब्रिज जो नर्मदा पर बना हुआ है, फिर हम गोल्डन ब्रिज आए, उसके बाद में हम लोग रिटर्न जाने वाले थे। हमने सोचा हमें शायद वीडियो बनाने का मुश्किल ही मिल पाएगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने ठान लिया था कि हमें ये सब कुछ आपको दिखाना है तो दिखाना है। तो वही नज़ारा मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, आपके सामने पेश है ब्रिज का नज़ारा। तो आप विश्वास नहीं करोगे हम इतना रिक्स लेके यहाँ पर पहुँचे हैं ना, हमने सोचा था या तो बनाने को मिलेगी या नहीं, लेकिन रिक्स तो लेना पड़ता है हर चीज़ में, हमने रिक्स लिए तो हम यहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो हम लोग रिटर्न जाने वाले थे। हमने हिम्मत हार ली थी कि नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरे अंदर से लगा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए, क्यों ना एक बार आगे चल के दिखाया जाए कि वास्तव में ये कुछ ना कुछ हमें देखने को शायद मिल सके। तो यहाँ पर आए तो हमारा ऊपर वाले ने सुनी, और आप सभी को जो नर्मदा नदी के बीचों बीच में हम लोग खड़े हुए नज़र आपको हम लोग दिखा पा रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि कुछ घंटा बाकी हमारा चैनल मोनेटाइज होने में दोस्तों। मैं आप सभी रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और वीडियो पर कमेंट करके बताना कि कैसा लगी ये वीडियो आपको। अभी मैं वहाँ पे आप ज़्यादा आगे तक वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा, मैं वहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, जो लोग यहाँ पे जैकेट वगैरह रखे हैं यहाँ पे वो लोग ये गले में डाल के पहन के जाते हैं, तब वो पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी आप आगे देख सकते हैं इस प्रकार से पाइप लगा के बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज काम कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करना, और फिर आपको एक बार और दिखाता हूँ बैक कैमरे से इसका नज़ारा दोस्तों में।
वीडियो बनके कंप्लीट हो चुकी है, तो इस वीडियो में अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे की साइड में आगे का भी नजारा आपको दिखाएं। अगर वीडियो के रिलेटिव अगर कोई अच्छा लोकेशन होगा उसकी वीडियो भी हम आपको बना के अपने यूट्यूब चैनल पे देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को जरा भी मिस मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली दोस्तों। ये जो बुलेट ट्रेन का जो अपडेट है ताप्ती नदी के नर्मदा नदी के ऊपर, इसके पहले आपने अपडेट किसी के पास से नहीं देखा। मैं आपको जो अपडेट दे रहा हूँ ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहा हूँ आपको मैं। ये बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर है पूरा आपको मैंने अच्छे से दिखाया, और मैं भी चलता हूँ जहाँ से स्टार्टिंग किया था मैंने, जो बड़ा वाला पिलर है किस प्रकार से पिलर बनाए जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका भी नज़ारा आपको दिखा सकूँ दोस्तों। तो दास अभी हम जा रहे हैं बाहर वापस, और ये मशीन आप देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार की मशीनें लगी हुई यहाँ पर काम करने का, भैया तेजी से और ये रीते से, और ये पूरा सामान रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं लोहे के बड़े बड़े रखे हुए हैं, इस पिलर यहाँ पे भी बनने वाला है, उसका जो पिलर का जो सामान है वो ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद अभी पिलर का काम चलेगा। और ये जो सामान है ना यहाँ से उठा के आगे तक उसको उससे मिला दिया जाएगा दोस्तों, इनको उठा के उससे मिला दिया जाएगा, पूरा ब्रिज एक हो जाएगा दोस्तों ये। तो अभी हम वापस चल रहे हैं पिलर के पास, उसका नज़ारा आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वापस बाहर की तरफ, और ये बड़ी बड़ी आप जेसीबी देख सकते हैं, जेसीबी खड़ी हुई है यहाँ पर, और मैं उस अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अंदर तक जाने की परमिशन दी। और ये कुछ मशीन है दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीन है दोस्तों। और पहला पिलर जो मैंने आपको बताया था पिलर ये वाला है जो बन के तैयार हुआ है दोस्तों अभी। सो अंकल जी मैंने आपकी मेहरबानी से मैंने पूरा नज़ारा बनाया, वीडियो बनाई है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये मतलब मेरे को अंदर से इतनी खुशी हो रही है, मैंने सोच लिया था कि वीडियो बनाने की परमिशन होगी या नहीं होगी, लेकिन ये आपकी वजह से मेरे को सब देखने को मिल पाया अंकल जी। जी जी जी, वरना यहाँ तक भी आने की परमिशन नहीं होती होगी, यहाँ से देख सकते लेकिन आगे तक जाने की परमिशन नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं जो नज़ारा है मैंने आपको दिखाया, और पहला पिलर यही है ना बड़ा वाला, ठीक है पहला पिलर ये बड़ा वाला, ये जेसीबी खड़ी है, वहाँ तक तो नहीं जा सकते ना ऊपर बिजली फैली हुई है ना, तो एक बार वहाँ पर जाके देख लो एक बार, तो एक बार वो बड़ा वाला पिलर दिखाता हूँ दोस्तों कैसा वहाँ का काम चालू है। इधर होकर निकलूंगा जी, इधर होके तो इधर होकर निकल के दिखाता हूँ दोस्तों एक बार नज़ारा मैं। और बड़े बड़े सरिये दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार के सरिये इसमें यूज किए जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी वाली जेएचपी कंपनी की मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है ट्रांसपोर्ट। तो ये पिलर देखते हैं पिलर के अंदर कैसे कैसे मटेरियल यूज करते हैं, इसके पहले आपको ये नज़ारा दोस्तों किसी ने नहीं दिखाया होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों आज। तो अंकल जी ने बोला वहाँ पर जाके देख लो, फिलहाल जनरेटर वगैरह बंद किए हुए हैं, और कुछ ये नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ ये है पिलर इसका बना के तैयार किया गया है दोस्तों अभी, ये देख सकते हैं दोस्तों आप कुछ ये नज़ारा है, मैं अभी आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ दोस्तों जो नज़ारा है ये, आप खुद देखिए दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नज़ारा है आपने इसके पहले दोस्तों आज तक कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों ये नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है नर्मदा नदी पे बनता हुआ बुलेट ट्रेन का ब्रिज का नज़ारा, देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे कितना सुपर नज़ारा ऐसे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों तरफ से। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैंने आपको दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, और जाएँ अभी ग्रीन रेड बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।